हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई काफ़ी दिनों में लगभग एक महीने में ब्लॉग आ रहा है भाई, क्योंकि भाई मेरा अभी पढ़ाई चल रही है, कोचिंग जा रहा हूँ मैं रैली, इसलिए ब्लॉग कम से कम बना पा रहा हूँ। आज भी भाई पूजा है घर पर, तो पूजा का ही ब्लॉग डालेंगे। पूजा का देखते हैं, चलते हैं, अभी मैं छत पर हूँ, फिर चलते हैं नीचे, पूजा होने वाली है, पूजा में चलेंगे, अभी चलते हैं पूजा में। ओके, तो गाइस देखो मैं अभी छत पर हूँ, छत पर से देखो भाई हरियाली। वो भाई अभी तो भाई ये पिसी का सीज़न चल रहा है ना, तो भाई सर्दियाँ में पिसी का सीज़न चलता है भाई, पूरे पेड़ भाई बिल्कुल पत्तियों से लदे हुए हैं। और मैं भी अभी यहाँ बताऊँगा आपको, मिर्ची के पेड़ आपने देखे हों तो बताना किस चीज़ के पेड़ हैं, ये मिर्ची के हैं पेड़ या और कुछ चीज़ के हैं पेड़, अगर पहचान नहीं आए तो कमेंट में बताएँ। इसमें कुछ पेड़ पूछना था, ये पेड़ बताओ ये किस चीज़ के पेड़ हैं, ये भाई ये और ये पेड़ और ये टावर देखो भाई, बादलों को देखो आप, तो कुछ मत देखो बस। वो भाई आज दिन भर हो गया है, सूरज नहीं निकला है। वो भाई ये पूछने लगा था मैं आपको, ये पेड़ बताओ ये फसल किस चीज़ की फसल है, ये जिस दिन को पता हो वो कमेंट में करें। गांव वाले में भाई जितने लोग देख रहे हैं मेरा ब्लॉग, उन भाई सब लोगों को पता होगा किस चीज़ की फसल है। सर्दी में बोई जाती है गेहूं के साथ, गेहूं, चना, मसूर, सरसों के साथ, कौन सी फसल है। ये देखो ये बादल देखो, और ये देखो भाई ये यहाँ के सरपंच जी का घर, और ये अपनी भाजपा विजय होने वाली है भाई इस बार। और ये देखे भाई जहाँ से भाई बहुत ही अच्छा नज़ारा आता है भाई, छत पे से दूर बहुत ही बीच में है भाई ये घर, इसलिए बहुत ही अच्छा नज़ारा आता है यहाँ से। ये देखो भाई इधर, ये देखो भाई बहुत कैमरा भी भाई बहुत ही अच्छा, अच्छी क्वालिटी का रहता है ये भाजपा, ये लहराते हुए। और ये देखो भाई वो झंडा लहरा रहा है ना भगवा रंग का, ये मंदिर पे। और ये अपने छत भाई देखो, जहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से ये लंबा है यहाँ से, और उसके बाद ये नीचे है जो कच्चा है, अभी बना नहीं है, ये कच्चा है यहाँ से। और इसके पीछे वो दिख रहा है, वो है उसके पीछे दिख रहा है, ये यहाँ तक है भाई, वो आखिरी कोने से यहाँ से लेके यहाँ तक। गाइस मैं आ चुका हूँ ये वाले घर पे भाई, पूजा उस वाले घर चल रही है, कन्या भोज हो रहा है अभी, मैं इस वाले घर पे आ चुका हूँ। मैंने कहा जब तक मैं वहाँ बैठूँगा थोड़ा बहुत कुछ पढ़ना है, कुछ बार कोचिंग जाना है और याद कर लेता हूँ जब तक कुछ, और फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो गाइस अब हो चुकी है मेरी पढ़ाई बिल्कुल ख़त्म, और आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। और